कि मेरे लिए माँ का सम्मान बहुत बड़ा होता है, जिस कोख से पैदा हुआ उसको गंदा नहीं कर सकता मैं। कोई खिलाड़ी नहीं है, सबसे बड़ा खिलाड़ी तो बिग बॉस है। मैं आप भी जानते हैं मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, मेरी औकात नहीं थी कि मैं पढ़ पाऊँ। मैं खुद को मार रहा था, मैं खुद को गाली दे रहा था, मैं किसी को गाली नहीं, मैं खुद को गाली दे रहा था कि कहाँ फंस गया यार तू आके। अपने अस्तित्व को खोके और इस शोहरत को कमाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूँ धर्म दुबे, आप देख रहे हैं हिंदी रश और आपको मिलवाने जा रहे हैं भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव साहब से। कैसे हैं? बस हिंदी रस के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको पैर छू के प्रणाम, और उसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के आयाम को मैं ढेर सारी शुभकामना देना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद और प्यार दिया, और उसके साथ साथ भोजपुरी के जितने भी लोग हैं उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड से 30 करोड़ जनता की जो प्यार मुझे मिला, और उसके साथ साथ जो भोजपुरी इंडस्ट्री का प्यार मुझे मिला, सब ने जो मेरे लिए प्यार दिखाया और दर्शाया और मेरे लिए जो अपील की, मैं सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। मेरे भोजपुरी समाज ने, मेरी हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हीरो से लेकर हीरोइन तक, करेक्टर रोल से लेकर एक स्पॉट बॉय तक ने मुझे प्यार देकर और अपना आशीर्वाद स्वरूप वोट भी दिया, तो उसके लिए दिल से थैंक यू। अच्छा भैया, हमें बता दें आपको कि खुशी इस बात से है कि आपसे मुलाकात हो गई, आपको मिलवा रहे हैं, तो किस बात का है कि बहुत जल्दी मिलवा रहे हैं? लेकिन मुझे धर्म जी बहुत खुश हूँ मैं, कि मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर का बनाया हुआ दुनिया बड़ा खूबसूरत है, और यहाँ हर इंसान एक फूल की तरह खिला हुआ है जिसका हम सुगंध ले सकते हैं। बिग बॉस की घर मेरे लिए एक कहीं ना कहीं ऐसा था कि मेरे लिए वो एक शिक्षा ही थी, मेरे लिए एक सादा पेपर नहीं था, उसमें ऐसा ऐसा लिखा हुआ चीज़ था कि मैं वहाँ कुछ लिख ही नहीं सकता था। मैं एक इंटरटेनर हूँ और मैं अपने इंटरटेन से जब मैं गाता हूँ तो 4 घंटा 5 घंटा स्टेज पे, और आपने भी देखी है मेरी पब्लिक, ऐसा नहीं कि नहीं देखी है, तो आप मेरे हर शो को भी जज किए होंगे कि जब मैं गाता हूँ तो 3 लाख 4 लाख पब्लिक 4 घंटे तक रहकर और सुनकर मुझे प्यार भी देती है और इन्जॉय भी करती है जी। मैं यही करने गया था, मुझे क्योंकि मैंने कभी बिग बॉस देखा ही नहीं था, क्योंकि वक्त ही नहीं मिला। आदमी 2 बजे 3 बजे रात को घर जाता है, फिर 6 बजे 7 बजे 8 बजे फिर शूट पर निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए नई चीज़ें थी, और मैं सोच के यही गया था कि मैं यही करूँगा, मैं गाना गाऊँगा, डांस करूँगा, इंटरटेन करूँगा, बट मेरे करने के लिए वहाँ कुछ था ही नहीं, वहाँ अपोजिट है। वहाँ तो जाने के बाद मुझे लगा जी मैं कितना अच्छा गाली दे सकता हूँ यार, कितना अच्छा गाली सुन सकता हूँ, कितना अच्छा लड़ाई कर सकता हूँ, यहाँ वो दिखना था। मुझे लगा जी शायद मैं इस घर के लिए नहीं बना हूँ और मेरी जो अच्छाई है यहाँ पर टूट जाएगी, सब्र कितने दिन तक मैं बर्दाश्त कर पाता, इसलिए मैं खुद को मार रहा था, मैं खुद को गाली दे रहा था, मैं किसी को गाली नहीं, मैं खुद को गाली दे रहा था कि कहाँ फंस गया यार तू आके, ये जगह तुम्हारे संस्कार के लिए नहीं बनी है। और हमारे हिंदुस्तान के संस्कार ये कहता भी नहीं है कि हम किसी की माँ बहन को गाली देकर खुद को इतना बड़ा बनाए, और ये वहाँ वही हो रहा है। जबकि बिग बॉस के घर में बिग बॉस कभी नहीं बोले कि आप गाली दीजिए, आप लड़ाई करिए, बट वहाँ के माहौल और वहाँ के लोगों ने खुद को इतना ज़्यादा एग्रेसिव बना लिया है, और किसी ना वहाँ लड़की लड़की की इज्जत कर पा रही है और ना ही लड़के लड़की की इज्जत कर पा रहे हैं, और ना ही लड़की लड़के का कर रहे हैं, माने एक दूसरे को धक्का देना, गाली ग्लोज, और मुझे ये गवारा नहीं है कि मैं अब किसी की माँ बहन को गाली देकर और सुन को मैं खुद को प्रमोट करूँ, क्योंकि मेरे लिए माँ का सम्मान बहुत बड़ा होता है, जिस कोख से पैदा हुआ उसको गंदा नहीं कर सकता मैं। बिल्कुल, आपकी और शहनाज की बहुत अच्छी जोड़ी हो गई थी, लोग तो ये भी कहने लग गए थे कि वो आपका सहारा लेकर के खुद TRP हासिल करना चाह रही है, आप क्या सोचते हैं इस बात को? नहीं, देखिए वहाँ हर लोग कैपेबल लोग हैं और किसी के सहारे की किसी को ज़रूरत नहीं है, हर आदमी अपने एक छवि लेकर गया है वहाँ पर, और शहनाज बहुत अच्छी छवि के साथ गई हैं। उनका क्या है क्या नहीं मैं पहले उनको जानता भी नहीं था, अब जाना हूँ जाके कि शहनाज नाम का भी कोई इंसान है, कोई लड़की है, लेकिन शहनाज के अंदर एक काबिलियत है कि शहनाज बड़ी फनी लड़की हैं और फन के साथ अपने जीवन को चला भी रही हैं और अपना गेम अच्छी खेल रही हैं, और उनके साथ मेरा इसीलिए पड़ता था कि हम जब भी बैठते थे तो हम लोग मस्ती बड़े अच्छे करते थे, अच्छे नोट पर हमारी बातें होती थी, अभद्र बातें कभी नहीं उनसे मेरी हुई और ना ही मैं उस टाइप की बातें करता हूँ। मुझे यही लगा था कि मैं अच्छी चर्चा करूँगा, लेकिन जब मैं कुछ अच्छी बातें करता था तो उन लोगों ने मेरा नाम आस्था चैनल रख दिया था कि ये तो आस्था के चैनल हैं, ये अब जब भी बातें करते हैं तो ज्ञान की बातें करते हैं, तो मुझे लगा जी नहीं, शायद मैं इस जगह के लिए नहीं बना हूँ, क्योंकि यहाँ कोई ज्ञान की बातें सुनना ही नहीं चाहता, यहाँ तो सिर्फ मिर्चा पर चर्चा होनी चाहिए, मिर्चा किसने कितना खाया, अंडा किसने कितना फोड़ा,
खेसारी जी, सवाल ये है कि आस्था चैनल आप क्यों बने हुए थे, जबकि आप तो अपने गानों के लिए बड़े माने जाते हैं, डबल मीनिंग के गाने, अश्लील के गाने भी बहुत सारे आपने गाए हैं, इतने सारे सुपरहिट गाने आपने भोजपुरी को दिए हैं जो डबल मीनिंग से जाते हैं, इस तरह के गाने आपने क्यों नहीं गा के उन्हें सुनाया? वहाँ गाना गाना ही नहीं था, वो डबल मीनिंग हो या वन मीनिंग हो, जब मुझे वो समय आज भी याद है, ऐसा नहीं कि मैं जब से मुझे होश संभाला है मैंने इधर, मुझे जब समझ में अच्छाई बुराई की समझ में आई तब से मैंने हर चीज़ को बंद कर दिया, हर चीज़ शायद वहाँ पर इस तरह की चीज़ों के एंटरटेन की ज़रूरत थी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं, इंटरटेन वहाँ पे गाने गाने की है ही नहीं थी, आप गाना गा ही नहीं सकते उनके दिमाग में, क्योंकि उनको राइट लेना पड़ता आप गाना गाते तो, कि आप किस कंपनी के गाना है, आप वहाँ से राइट लीजिए तो भी दिखाएंगे वो, और जब हम गाना नहीं गा सकते तो डांस कैसे करेंगे, तो वहाँ बातों की चर्चा हो रही थी, वहाँ प्याज पे चर्चा करना था मुझे, वहाँ आटा के लिए लड़ना था, रोटी के लिए लड़ना था कि वो तीन को क्यों खाएगा, वो दुए को क्यों नहीं खा रहा है, तो वो सब चीज़ें मैंने कभी भी जीवन में किया नहीं, और वो जुबान की लड़ाई में कभी लड़ा नहीं हूँ कि मैं किसी को कितना अभद्र बोल दूँ, गाली गलौज कर दूँ, वो मेरे संस्कार और पूरे हिंदुस्तान के संस्कार में नहीं है, बट वहाँ पे लोग मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ था भाई वहाँ, इसलिए मुझे लगा से मैं अपने अस्तित्व को खो के और इस शोहरत को कमाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ मैं हूँ वहाँ खुश दूँ। ग्रुपिज्म का शिकार हो गए आप वहाँ पर, ऐसा कुछ? मैं ग्रुप में अगर रहता तो शायद मैं भी वही करता जो वो लोग करते हैं, मैं ग्रुप से अलग था, वहाँ कोई मेरे से कोई सलाह नहीं लेता था। आपके चाहने वाले कहते हैं आपको एक अलग नया ग्रुप वहाँ पर आपको खड़ा करना चाहिए था, आप उसका नेतृत्व कर सकते थे, आपको ऐसा नहीं लगा? मैं क्या बोलूँ आपको कि जब बुराई को ही वहाँ, बुराई को प्रमोट करने की मुझे कोई शौक ही नहीं था, और मैं जब भी वो लोग बुराई की और जब भी टास्क बर्बाद करने की कोशिश करते थे तो मैं उनको रोकता था, यार मत करो यार, मत करो यार, और आप वहाँ टास्क बर्बाद करोगे तभी लड़ाई होगी, और वो टास्क बर्बाद करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वो गेम का दस्तूर है और वो करना ही पड़ेगा, आप नहीं करोगे तो लड़ाई कैसे होगी, लड़ाई नहीं होगा तो फिर कंटेंट नहीं मिलेगा, तो वो बिग बॉस का अपना खेला था, और वहाँ सर कोई खिलाड़ी नहीं है, सबसे बड़ा खिलाड़ी तो बिग बॉस है। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला का नाम बहुत आता है फेम में, वही हैं लड़ाई कर रहे हैं, उनका नाम आता है, आप क्या सोचते हैं? देखिए वहाँ लड़ाई तो हर आदमी कर रहा है अपने स्तर पर, कोई जुबान की लड़ाई कर रहा है तो कोई हाथ की लड़ाई कर रहा है तो कोई गेम में इधर उधर की बात की लड़ाई कर रहा है, तो लड़ तो हर आदमी रहा है। आपका भी कई बार उनसे जो है सिद्धार्थ जी से मेरी लड़ाई हुई है, बट लड़ाई उस लेवल की नहीं हुई है कि मैं उनको गाली दे दिया और वो मुझे गाली दे दिए, बातों की लड़ाई हुई है, उनको भोजपुरी में मैं कुछ बोला तो मैं बोला कि भाई आप अंग्रेजी इतना बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है, तो मैं भी भोजपुरी बोलूँगा क्योंकि जो मेरी भाषा है मैं जो जानता हूँ तो मैं उसी भाषा को प्रमोट करूँगा, और मैं उसी भाषा को वो जानता हूँ तो मैं वो बोलूँगा, आपको अंग्रेजी आती है तो मुझे भी भोजपुरी आती है, लेकिन ये हिंदी शो है तो कोशिश करिए जी हिंदी आप बोलिए ताकि मैं भी समझ पाऊँ और आपका जवाब दे सकूँ, लेकिन अंग्रेजी ज़्यादा झाड़ते थे वो लोग इसलिए मुझे प्रॉब्लम होती। वाकई में इंग्लिश आपकी भारी है, आपको प्रॉब्लम करके इंग्लिश अगर आती तो शायद आप और खेल जाते, आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश वहाँ ज़्यादा बोली जाती थी और मुझे कुछ बातें आधी समझ में आती थी, कुछ आधी नहीं आती थी, मैं आप भी जानते हैं मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, मेरी औकात नहीं थी कि मैं पढ़ पाऊँ, बट कोई बात नहीं, जितना पढ़ा मैंने लोगों को पढ़ा है, मैंने अच्छाई पढ़ी है, मेरे लिए वही बड़ी बात है, और मैं संस्कार के साथ अपने जीवन को चलाता हूँ, ये लिए मेरे लिए मायने रखता है, और मैं ना किसी को गाली दे सकता हूँ और ना ही किसी का गाली सुन सकता हूँ। और नेशनल चैनल पर हमें अच्छी संकेत के साथ लोगों को विचारधारा रखनी चाहिए ताकि उसको बच्चे देखते हैं, बूढ़े देखते हैं, औरतें देखती हैं, तो उस मर्यादा को भी हमें कायम रखना चाहिए, और इस बिग बॉस के शो पूरी दुनिया में फेमस है तो इस बिग बॉस के शो को हमें उस एंटरटेन के हिसाब से भी देखना चाहिए और एंटरटेन भी करना चाहिए और देना चाहिए। सिर्फ झगड़ा परोसेंगे तो शायद आने वाला जनरेशन हमसे कुछ आशाएं नहीं रख सकता है। टॉप थ्री में किसे देख रहे हैं आप जाते जाते, ये बता जाएं? सब जाएंगे, जिस हिसाब से लोग उतर गया है ना बेइज्जती पे, मुझे लगता है कि सब जाने का सारे टॉप थ्री, हाँ टॉप थ्री में सब पहुंचने वाले ही है। अच्छा, भोजपुरी में आपको सलमान खान कहते हैं आपके बॉडी को लेकर भी, रियल सलमान खान से बॉलीवुड से आप मिले तो कुछ क्या कुछ फील किया, एक आखिरी सवाल होगा? वो एक चांद की तरह है, और चांद के बारे में मैं तारीफ करके क्या बोलूँ, क्योंकि चांद तो अपने ही आप में एक चांद है, और सलमान सर बड़े अच्छे इंसान हैं, और जितने देर मेरी बात हुई मैं, उन्होंने लिट्टी चोखा खाया तो मुझे अच्छा लगा कि यार जिस लिट्टी को बेच के मैं इस जीवन को चलाया हूँ, सलमान सर ने लिट्टी और पूरे इंटरनेशनल टीवी पे लिट्टी खाना, और मेरे लिए वो बहुत शॉकिंग था कि मैं जिस लिट्टी को बेच कर यहां तक पहुंचा, आज उसी लिट्टी को सलमान खान जी खा रहे हैं, तो वो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात थी। क्या बात है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए खेसारी साहब, और आपको वाकई में बहुत प्यार दिया है देश ने, और इनसे कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे आप तक जवाब पहुंचा दें, बने रहें हिंदी रश के साथ, नमस्कार।